स्टूडेंट हिंदी सुहानी पाठ्यपुस्तक में आज हम पाठ 10 करेंगे बोल का मोल। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में मनसुख नाम का एक व्यक्ति रहता था। अब वह बूढ़ा हो चला था। उसके चार बेटे थे। चारों बेटे काम काज से तो ठीक थे पर बोलचाल और आचरण में एक जैसे ना थे। पिता ने उन्हें कई बार समझाया, अपने बोलचाल को सुधारो, यदि ऐसा नहीं किया तो जीवन में सफल नहीं हो सकोगे, किंतु उसकी बात पर बेटों ने ध्यान नहीं दिया। एक बार की बात है, पूरा परिवार किसी लंबी यात्रा से लौट रहा था। उनके पास खाने पीने को कुछ भी ना बचा था, उनका धन भी खत्म हो गया था। वे लोग भूख से परेशान हो गए। एक पेड़ के नीचे पांचों विश्राम यानी आराम कर रहे थे, तभी उन्हें एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी को हाँकते हुए आता दिखाई दिया। वह किसी मेले में अपना माल बेचने जा रहा था। उसकी बैलगाड़ी में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ भरी थी। बैलगाड़ी को देखकर मनसुख ने अपने बेटों से कहा, जाओ व्यापारी से खाने का सामान मांगो, शायद कुछ दे दे। यह सुनकर पहला बेटा व्यापारी के पास गया और बोला, अरे ओ व्यापारी, इतना माल भर रखा है, हमें बहुत भूख लगी है, खाने को दे दे। व्यापारी ने सोचा, यह कितना मूर्ख है, दूसरों से मांगते समय मीठी बोली से बोलना चाहिए। अच्छा, यह कितनी कठोर वाणी में बोल रहा है, उतना ही कठोर पकवान इसे दूंगा। यह सोचकर एक सूखा पकवान उसे पकड़ा दिया। उसके बाद दूसरा बेटा उसके पास पहुँचा। वह बोला, बड़े भाई प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने को कुछ भी ना दोगे? व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे बड़ा भाई खा है, छोटे भाई को देना मेरा कर्तव्य है। उसने दोना भर मिठाई उसे देते हुए कहा, लो यह मिठाई खाओ। अब तीसरा बेटा व्यापारी के पास गया। वह बोला, श्रीमान आप मेरे पिता समान है, मुझे खाने को दे। व्यापारी ने सोचा, यह मुझे पिता जैसा आदर दे रहा है, इसे तो भरपेट मिठाई देनी चाहिए। उसने कई दोने भर का पकवान और मिठाई उसे दे दी। अंत में चौथा पुत्र आया। उसने मुस्कुराकर कहा, मित्र इस मुसीबत की घड़ी में तुम ही हमारा सहारा बन सकते हो, क्या तुम मित्र को भूखा ही रखोगे? व्यापारी ने सोचा, मित्र पर तो लोग सब कुछ निछावर कर देते हैं, यह मित्र मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह बोला, मित्र इस गाड़ी में लदा सारा पकवान और मिठाइयाँ तुम्हारे लिए ही है, जितनी चाय ले लो। व्यापारी और चौथा बेटा काफ़ी खाने का सामान लेकर वहाँ आ गए, जहाँ पिता के साथ बाकी बेटे बैठे थे। पिता ने उन सबसे कहा, अब तुम अपनी अपनी मांगी हुई भोजन सामग्री की तुलना करो, जिसने जैसा बोला और जैसा आचरण किया वैसा ही उसे मिला, क्या आप भी बोल का मोल नहीं समझे? प्रस्तुत पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मधुर वाणी से दूसरे के दिलों को जीता जा सकता है, अतः हमें सभी से मधुर वाणी में बोलना चाहिए। बख्शित करेंगे पाठ 10 बोल का मोल। शब्द अर्थ आचरण व्यवहार विश्राम आराम व्यापारी व्यापार करने वाला आदर सम्मान सहारा मदद मोल मूल्यदाम मूर्ख बुद्धिहीन। प्रश्न उत्तर, मनसुख के कितने बेटे थे? मनसुख के चार बेटे थे। मनसुख ने अपने बेटे को क्या समझाया? मनसुख ने अपने बेटों को समझाया कि वे अपने बोलचाल को सुधार ले। तीसरे बेटे ने व्यापारी से क्या कहकर खाने को मांगा? तीसरे बेटे ने व्यापारी से कहा कि वह उसके पिता समान है, यह कहकर उसने व्यापारी से खाना मांगा। मित्र के बारे में व्यापारी के क्या विचार थे? व्यापारी ने सोचा कि मित्र पर तो लोग सब कुछ व्यछावर कर देते हैं, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। मनसुख का परिवार किससे परेशान था? भूख से। मनसुख व उसके बेटे कहाँ विश्राम कर रहे थे? पेड़ के नीचे। व्यापारी क्या हाँकते हुए आता दिखाई दिया? बैलगाड़ी। व्यापारी कहाँ जा रहा था? मेले में। मनसुख का कौन सा बेटा व्यापारी से सबसे ज्यादा खाने का सामान लेकर आया? चौथा बेटा। थैंक यू।